नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमवी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है हिजाब। हिजाब लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में पहन सकते हैं या नहीं, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे काफ़ी बार बहस हो चुकी है और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो हर ऑल्टरनेटिव डे पे इस पे बहस हो रही है। और इस बहस में जो मुद्दा है वो यही है कि लड़कियां हिजाब अपने स्कूल में पहन के आएं या नहीं। अच्छा, इसमें हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई बार इसमें बहस हो चुकी है और दोनों पक्षों ने अपने अपने इसमें विचार रखे हैं कि हिजाब लड़कियां क्यों पहने और हिजाब लड़कियां क्यों नहीं पहने। मैं आपको बताती हूं कि असल में इस पूरे मामले की जड़ में क्या है और किस तरीके से ये मामला शुरू होता है। हालांकि इसमें बहस एक बार फिर से होनी है 14 सितंबर को, जो 11:30 बजे करीब होगी। लेकिन हम एक बार जो हिजाब का बैकग्राउंड है वो भी समझें तो बहुत ज़रूरी होगा। हिजाब की कंट्रोवर्सी शुरू होती है 1 जुलाई 2021 से, जब कर्नाटक में उडुपी में एक कॉलेज, पीयू कॉलेज में यूनिफॉर्म कोड को लागू किया गया। 28 दिसंबर को पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहन करके अपनी क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद 4 जनवरी 2022 को चिकमंगलूर के स्टूडेंट्स ने भगवा शॉल पहन करके कॉलेज में आने की अनुमति मांगी और उसके बाद ये एक खिस्तान का सब्जेक्ट हो गया। 13 जनवरी को उडुपी के पीयू कॉलेज के सामने मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहन करके एंट्री के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया और 31 जनवरी को उडुपी के ही पीयू कॉलेज के फैसले के खिलाफ लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उसके बाद 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया कि सिर्फ तय यूनिफॉर्म जो है, यानी कि जो ड्रेस कोड ऑलरेडी कॉलेज में है, उसी को कैरी करके छात्राएं स्कूल आए, जिसमें कि हिजाब का कोई जिक्र नहीं है। पहला जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट देता है वो ये है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के पास हिजाब मामले से जुड़ी 8 याचिकाएं हैं और 3 जजों की बेंच में कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतु अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी शामिल थे। हाईकोर्ट ने 11 दिन की सुनवाई के बाद 15 मार्च को सभी याचिकाएं खारिज कर दी और अपने 129 पेज के फैसले में जो 3 बड़ी बातें कही वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो उन्होंने कहा वो ये कि आर्टिकल 19 सेक्शन ए, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यूनिफॉर्म की जरूरत उचित प्रतिबंध है, यानी कि यूनिफॉर्म जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, जो स्कूल का यूनिफॉर्म कोड है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कॉलेज में आएंगे। तीसरा जो था, सरकार के पास गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। और 28 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले से जुड़ी लगभग 23 पिटीशन पहुंच जाती हैं जिनको क्लब कर दिया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने इस केस को सुना उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धुलिया है और उधर जो मुस्लिम लड़कियों के वकील हैं वो राजीव धवन, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े और निजाम पाशा, कई और वकील भी इनके साथ हैं।
सरकार का जो पक्ष रखने वाले एडवोकेट हैं वो एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज। अच्छा, इस मामले में 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी उनको नवंबर तक के लिए सुनने का जो वक्त था उन्होंने तय किया, 5 सितंबर यानी कि इसी महीने। अब इसमें बहस शुरू होती है, 5 सितंबर को बहस होती है, उसके बाद लंबी चौड़ी बहस के बाद 7 सितंबर को फिर बहस होती है, उसके बाद 8 दिसंबर को फिर बहस होती है, इसके बाद 12 सितंबर को मुस्लिम लड़कियों की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुचला और सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की, यानी कि आज। और एडवोकेट मुचला ने कहा कि कोर्ट को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इस पर जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि फिर हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस बनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट क्यों गए थे। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी, और एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने बेंच को कुरान सौंपते हुए कई आयतें कोट की। लेकिन अभी दिलचस्प ये है कि इसमें अगली जो सुनवाई होनी है वो 2 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर को होगी 11:30 बजे। तो दोस्तों, ये जो मैटर है इस समय काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, काफ़ी इससे लड़कियां एक तरफ मोर्चा खोले हुए हैं जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उधर जो स्कूल प्रबंधन है, जो कॉलेज प्रबंधन है, वो उनको जो कॉलेज का ड्रेस कोड है उसमें आने के लिए कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो ये चाहती हैं कि वो हिजाब पहन के ही आए, वो कई दलीलें दे रही हैं कि हमें दुपट्टा नहीं होने दिया जा रहा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को हिजाब पहने हुए देखा है, दुपट्टा एक अलग चीज़ है, हिजाब एक अलग चीज़ है। और अब भले ही उसको आप किसी तरीके से भी कोर्ट में पेश करें, वो एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए, कुछ लोगों ने तो मतलब हिजाब को अलग तरह से डिफाइन किया है। एडवोकेट पाशा ने लड़कियों की तरफ से जो वकील, उन्होंने कहा कि सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की इजाज़त है, मतलब उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। और हिजाब भी धार्मिक रीति रिवाजों का हिस्सा है। तो इस पर जो जस्टिस गुप्ता थे उन्होंने कहा कि हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी और कृपाण से नहीं की जा सकती। और इससे पहले कई और हास्यास्पद जो है उनके दलीलें सामने आई थी कि एडवोकेट जो कामत है, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में एक जजमेंट में हिंदू लड़की को स्कूल में नाक की कील पहनने की अनुमति दी गई थी। इस पे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि साउथ अफ्रीका की बात छोड़िए, आप भारत में लौटिए। इस पूरे मुद्दे में काफ़ी दिलचस्प दलीलें हुई। जैसे एडवोकेट राजीव धवन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही कोई तिलक लगाता है, कोई पगड़ी पहनता है, ये वकील कह रहे हैं। तो इस पे जस्टिस महोदय कहते हैं कि पगड़ी अलग है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके दादा यानी कि जस्टिस साहब के दादा जो वकालत करते हुए पगड़ी पहनते थे, तो इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। काफ़ी इसको लेकर के बात हो रही है। अभी आप देखिए कि जो मुस्लिम लड़कियों के वकील हैं, राजीव धवन, देवदत्त कामत, संजय हेगड़े और निजाम पाशा वगैरह, अपने हिसाब से दलीलें दे रहे हैं। और अब हालांकि इसको सुना जाएगा एक बार फिर से 14 सितंबर को, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन लड़कियों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो डटी हुई हैं, और उधर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि इसे ड्रेस कोड में शामिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं।
इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं जब आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।